अजीब मुसीबत में फंसा दिया आप दोनों ने मुझे। देखो अगर अल्लाह का हुक्म ना होता ना तो हम जितना भी जोर लगा लेते ये रिश्ता ना होता। इस बात को समझो, अपने फराइज पहचानो, दोनों बीवियों के साथ बराबर सलूक करो बेटा, बहुत जरूरी है। सर आप मेरे लिए कोई कपड़े निकाल दो और तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, अम्मा जाने हुक्म दिया तुम दोनों को शॉपिंग पे लेके जाना। अच्छा तो फवाद आप फरवा को ले जाएं, इसने निकाह पे भी कुछ शॉपिंग नहीं की, अच्छी बात है आप दोनों शॉपिंग कर लेंगे। अम्मा जाने हुक्म दिया है कि तुम दोनों को लेकर जाओ। हाँ तो मुझे कोई एतराज नहीं है, फवाद आप फरवा के साथ जाए ना। बात एतराज की नहीं है, अम्मा जान के हुक्म किया। अच्छा ठीक है, आप चेंज करेंगे कपड़े, क्या निकालूं आपके लिए बता दें मुझे। क्या निकालते हो, तुम जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारी चॉइस के कपड़े पहनता हूँ। मैं आती हूँ। फवाद क्या हो गया आपको, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं फवाद? क्या मतलब इस तरह की बातें? आपको क्या सोचेगी कि आप मेरी पसंद के कपड़े पहनते हैं वगैरह, आप नहीं करें उससे ऐसी बातें, वो फील करेगी। जो कुछ मुझे फील हो रहा है वो इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए मुझे कटहरे में खड़ा करोगी? मुझे वेट कर, हम जल्दी आ जाओ। फरवा देखो ये कलर्स अच्छे हैं ना। अच्छे। अब तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है बताओ। तुम अपने लिए पूछ रही हो? नहीं तुम्हारे लिए। वाली पसंद की। आप फवाद फरवा के लिए भी देखे ना। हाँ तुम देख लो, जो चलता ले लो। अच्छा मैं देखती हूँ। फरवा देखो ये कलर अच्छा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है कलर। अच्छा फरवा दे। एक्सक्यूज मी ये पैक कर दे। वो वाला कड़ा तो है फरवा, ये देखो ये कितना अच्छा है। नहीं मुझे बैंगल्स नहीं पसंद। शादी हुई है तुम्हारी अभी? नहीं नहीं हैवी ज्वेलरी है पहनो। शादी हो जाने से चॉइस थोड़ी बदल जाती है। अच्छा क्या पसंद है तुम, देख लो खुद अपनी चॉइस से। हाँ तुम्हारी चॉइस के सामने मेरी अहमियत ही क्या है। क्या मतलब? कुछ नहीं थक गई हूँ, घर चलते हैं। देख सकती? नहीं बस घर चलते हैं। फवाद फिर चलते हैं घर। परवा मुझे एक बात तो बताओ, इसको तो अकल नहीं लेकिन तुम तो समझदार थी ना, क्या सोचकर तुमने इसके शौहर से शादी कर ली? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? इस बात का जवाब अगर आप सारा से पूछेंगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्यों, मैं तुमसे क्यों ना पूछूं? तुम तो इसकी बेस्ट फ्रेंड होने के बहुत दावे करती थी ना, अब क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि सारी प्लानिंग तुम्हारी करता लगता है। कर दीजिए मेरी आप ही प्लीज, इसे तो मत भूले। कुछ बोलते
बताती क्यों नहीं हो सारा? बोलो ना कुछ। क्यों इस आग में झोंक दिया तुमने मुझे? इतनी बड़ी आजमाइश में डाला है तुमने। अपने साथ साथ मेरी जिंदगी को भी जहन्नुम बना दिया है तुमने यार। क्या कसूर है मेरा? हर किसी की नजर में मुजरिम और गुनहगार बन के रह गई हूँ। मैंने क्या किया है बताओ? बताती क्यों नहीं हूँ इन्हें कि मैं तुम्हें खुद फोन करके इनकार किया था। कहा था ना कि मुझे नहीं करनी है शादी, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानी। मेरे घर पे अम्मा जान को लेकर पहुंच गई, मेरे पांव पड़ गई, मुझे फोर्स किया, इंसिस्ट किया तुमने मुझे। और मैंने क्या किया? सिर्फ अपनी दोस्ती का भरम रखने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। और क्या हुआ? तुम सबकी नजरों में मासूम और मुझे गुनहगार ठहरा दिया। क्या कसूर है मेरा बताओ? सबको यही लगता है ना कि मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुम दोनों मियां बीवी को अलग कर दिया। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मुझे क्या मिला, क्या हासिल हुआ मुझे? कुछ भी तो नहीं। वो आदमी जो शायद जिंदगी भर तुमसे ही प्यार करेगा, उसके दिल में मेरे लिए कभी मोहब्बत ही पैदा नहीं होगी। वो रिश्ता निभाने जा रहा है जो शायद वो कभी निभाना भी नहीं चाहता था, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए निभाएगा। जिसकी लाइफ में मेरे होने मेरे ना होने से कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये है मेरी हैसियत। तुम्हें पता है सर इस घर में मेरी क्या हैसियत है? एक बेकार सी चीज की जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारा खजाना मेरे हिस्से में आया, तू बच गई, मासूम बन गई सबकी नजरों में, और गुनहगार मैं साबित हो गई। ये कसूर है। और सब्सक्राइब करें AY Original का YouTube चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।